देखिए, सारे अलाउंसेस कंप्लीट अभी तक हो चुके हैं सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो कौन सा है? एचआरए। लिखिए टॉपिक एचआरए। पेज नंबर की जरूरत नहीं है, लिखिए पहले सीधा एचआरए। ये पूरा ये क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। अब देखिए इसमें एचआरए में कैसे हम टैक्सेबल करते हैं। जब भी एचआरए आपको रिसीव होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? एचआरए रिसीट। लेकिन इसमें से कुछ क्या होगा आपको? एग्जेम्प्ट। और एग्जेम्प्शन निकालने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? एचआरए टैक्सेबल। ये रिसीव्ड है, इसमें से एग्जेम्प्ट माइनस किया तो फिर क्या आ गया? एचआरए टैक्सेबल आ गया। लेकिन यहां बात यह आती है कि सर कितना एग्जेम्प्शन, लिखो हाउ मच एग्जेम्प्शन। सर एग्जेम्प्शन तो होगा, लेकिन एग्जेम्प्शन कितना होगा? दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाउ मच एग्जेम्प्शन। तो एग्जेम्प्शन निकालने के लिए आपको ये तीन पॉइंट्स निकालने होंगे और उसमें से मिनिमम होगा। तो लिखो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग थ्री। नीचे तीन में से मिनिमम होगा आपका एग्जेम्प्शंस, और वो तीन कौन सा होगा? सबसे पहला एच आर ए रिसीव्ड। सबसे पहला क्या हुआ? एच आर ए रिसीव्ड। दूसरा क्या होगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। पहले जितना लिखाता हूं लिख लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तीसरा क्या होगा? सर 40% और 50% ऑफ सैलरी। 40% और 50% ऑफ सैलरी, 40% और 50% ऑफ सैलरी, समझ गए? लेकिन यहां एक बात और लिखिए, मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। एचआरए के लिए सैलरी का मीनिंग क्या होगा? मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। देखिए एक्चुअली मीनिंग ऑफ सैलरी आप क्या समझते हैं? ग्रॉस सैलरी। उसमें क्या होता है? सब कुछ इंक्लूड होता है। लेकिन एचआरए के पर्पस के लिए सैलरी में सब कुछ इंक्लूड नहीं होता है। तो क्या क्या इंक्लूड होता है लिखिए। सबसे पहले लिखिए इसमें क्या? बेसिक सैलरी प्लस डीआरएनएस अलाउंस। डीए लिखता हूं शॉर्ट में मैं, डीआरएनएस अलाउंस। और डीआरएनएस अलाउंस पूरा नहीं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। आप पूछोगे सर ये क्या होता है? अभी बताऊंगा सब कुछ आपको। तीसरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तीसरा कमीशन ऑन टर्नओवर। कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है जी। इन सब को हम प्लस कर लेंगे। इनको प्लस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा एच आर ए सैलरी, या यूं कह सकते हैं सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एच आर ए। ये आपको मिल जाएगा तीनों को प्लस करके।
और जो अमाउंट आएगा उसका 2% निकालोगे, क्या क्या? 10% एंड 40% और व्हाट? 40 और 50 में से कोई एक चीज निकालोगे, दोनों नहीं निकालोगे, 40% और 50%। 10% जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज करो अचार्य सैलरी आपका 5 लाख आया, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, और उसका 40% कितना हो गया, 2 लाख। तो ये जो 50,000 आया है, पहले लिख लो यहां तक का, पहले यहां तक लिखो फिर समझाता हूं आपको। लिख लिए, आगे बढ़े। ठीक है सर, ये जो इसका 50,000 आया है, ये 50,000 आप कहाँ पुट करोगे? ये पुट करोगे यहां पे, देखो ना, 10% सैलरी में क्या पुट करोगे, 50,000। और ये जो इसका 40% आया, कहाँ पुट करोगे? यहां पे। ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। और मान लीजिए कि आपने रेंट कितना पे किया, सिंपल तरीके समझिए, सपोज करो कि आपने रेंट पे किया 2 लाख रुपया, 2 लाख में से 50,000 गया तो कितना आ गया, 1,50। और यहां सपोज करो जो एचआरए रिसीप्ट आपकी है वो 3 लाख है, आप पास 3 पॉइंट आ गए ना, कौन कौन से आ गए? एचआरए रिसीप्ट कितना आ गया, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी कितना आ गया, 1.5 लाख। और तीसरा पॉइंट क्या है, 40% ऑफ सैलरी कितना आ गया, 2 लाख। इसमें से क्या लेंगे हम, मिनिमम, मिनिमम कौन सा है, 1,50,000 है ना मिनिमम। अब बताइए सबसे ऊपर आइए, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था, एचआरए रिसीव, तो कितना माना आपने, उसमें से कितना एग्जेम्प्ट आपको आया, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 1,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, एच आर ए रिसीव कितना आया, 3 लाख। एग्जम्पशन कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जम्पशन किस बेसिस पे निकालेंगे, 3 में से मिनिमम लेंगे, 3 कौन कौन से हैं, एच आर ए रिसीव्ड और वो कितना है, 3 लाख। रेंट पेड कितना मान रखा मैंने, 2 लाख। 10% ऑफ सैलरी कितना निकला है, 50,000। डिफरेंस कितना आया, 1,50,000। और तीसरा 40% ऑफ सैलरी कितना आया, 2 लाख। तो 2 लाख में से 1,50,000 में से और 3 में से कौन सा लेंगे, मिनिमम, मिनिमम कौन है, 1,50,000। और फिर 1,50,000 क्या किया मैंने, यहां माइनस कर दिया, तो क्या आ गया फिर आपको, एग्जम्पशन आ गया, क्या आ गया, एग्जम्पशन आ गया। मान गए यहां तक बात, राइट। लिखिए पहले आप यहां तक जल्दी, यहां तक लिख लिया। अब इसकी कहानी समझो थोड़ा, क्या है, कहोगे सर एग्जेम्पशन तो आपने समझा दिया, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले यह बताओ कि एग्जेम्पशंस के एलिमेंट है क्या क्या। आपके जो एग्जेम्पशन है वो 3 बात पर डिपेंड करता है। पहली बात तो यह है कि एचआरए आपको मिला कितना, अगर एचआरए जो मिला वही आपको बहुत कम मिला होता तो छूट तो वही होना था, तो टैक्सेबल कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इतना कम एचआरए मिला है, हाउस रेंट अलाउंस इतना कम मिला है कि सरकार उस पर टैक्स लेना नहीं चाहती। लेकिन अगर एचआरए आपको ज्यादा मिल गया तो सरकार कुछ अमाउंट पे क्या लेगी, टैक्स लेगी। अब ये बात आती है कि ज्यादा और कम हम कैसे डिसाइड करेंगे, सेकेंड पॉइंट से डिसाइड होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कहता है, रेंट पेड माइनस 40% ऑफ, 10% ऑफ सैलरी। सरकार आपसे पूछती है कि आपको हाउस रेंट अलाउंस किस लिए मिला है, आपको हो गए एम्प्लॉयर ने दिया है, मेरे पास घर नहीं था तो किराए में मुझे उससे मदद मिल जाती है, तो ठीक है, घर आपके पास नहीं है, नहीं है तो ठीक है, इसका मतलब तो जरूरी आपको मिलना, तो आप रहते कहाँ पे हो, रेंट पे रहते हैं, ठीक है ना। कितना रेंट भरते हो, तो मैं 2 लाख भरता हूं, ठीक है ना। और आपकी सैलरी कितनी है, 5 लाख है। देखो ये एचआरए सैलरी कितनी आई है,
5 लाख। तो फिर इनकम टैक्स आपसे कहता है, मतलब गवर्नमेंट कह लो, ये मैं इनकम टैक्स बोलता हूं, तो अल्टीमेटली कौन बोलता है? गवर्नमेंट ही। गवर्नमेंट बोलता है कि 5 लाख रुपए अगर आप साल में कमाते हैं तो मैं ये मानता हूं कि 10% तक अगर आप रेंट पे करते हैं तो आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। अपनी कमाई का 10% तो बंदा रेंट पे कर सकता है, लेकिन अगर 10% से ज्यादा रेंट पे करते हैं तो फिर कुछ तो अन्याय आपके साथ हो रहा है। तो 5 लाख रुपए आपकी HRA सैलरी है, उसका 10% कितना बनता है? 50,000 रुपीज। गवर्नमेंट कहती है कि मैं ये मानता हूं कि 50,000 रुपये तक रेंट अगर आप पे कर रहे हैं फिर तो बहुत अच्छा है, तब आपके प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। देखो यहां पे, अगर रेंट पे कितना कर रहे हैं आप, 50,000, सपोज करो 50,000 रेंट पे कर रहे हैं और 10% ऑफ सैलरी भी कितना, 50,000 है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये फिगर कितनी आएगी? जीरो। तो एग्जेम्पशन क्या हो गया? जीरो हो गया। सरकार बोलती है फिर तो आपको कुछ भी छूट नहीं देंगे आपको हम। क्यों छूट नहीं देंगे? क्योंकि आप जितना HRA सैलरी रिसीव कर रहे हैं, जितना HRA सैलरी रिसीव कर रहे हैं उसका 10% रेंट भर रहे हैं, और 10% रेंट भरना बिल्कुल जेन्युइन है, कोई गलत नहीं है, आपके प्रति मेरी कोई सेंटिमेंट, कोई इमोशंस नहीं है, मैं कोई छूट नहीं दे सकता। लेकिन मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है कि आप 5 लाख का 10% 50,000 और 50,000 के रेंट पे आप कहीं रह लो? बड़े बड़े शहर में तो पॉसिबल नहीं है, बस सिंपल शहर में भी पॉसिबल नहीं है, सिंपल शहर में भी पॉसिबल नहीं है, वहां पे भी रेंट ज्यादा ही है। समझ गया? तो अगर रेंट ज्यादा है इसका मतलब आप 10% रेंट नहीं पे कर रहे हैं, 10% से ज्यादा पे कर रहे हैं। तब गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर ज्यादा पे कर रहे हैं तो फिर आपके प्रति मेरी सहानुभूति है, मेरा इमोशन है, ठीक है ना, मैं फिर चाहूंगा कुछ आपको छूट मिल जाए, 100% HRA आपकी टैक्सेबल ना हो। तो बताइए कितना रेंट पे करते हैं? 2 लाख रुपए रेंट पे कर रहा हूं, माई गॉड, 5 लाख आप कमाते हैं और 2 लाख रेंट पे कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं। चलिए आपको हम छूट देंगे। कितना छूट देंगे? तो मैं तो सोच रहा था कि 10% तक रेंट जेन्युइन है, तो 10% रेंट से जितना ज्यादा रेंट पे करोगे, 10% ऑफ सैलरी के बराबर रेंट पे करना चाहिए था आपको ना, लेकिन इससे ज्यादा जितना रेंट पे करोगे वो सारा क्या दे देंगे आपको हम? एग्जाम दे देंगे। तो कितना ज्यादा पे कर रहे हो? 1.5 लाख रुपए। लेकिन सरकार ने फिर यह भी कहा है कि 10% पे फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि अभी आपने जस्ट देखा कि 10% ऑफ सैलरी से तो कोई कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। बंदा कोई 1 करोड़ रुपया कमाता तो बात अलग है, कोई 10 लाख कमाता है, कोई 15 लाख कमाता है, तो भी वो 10% सैलरी निकाल के ना उतने रेंट पे घर पे नहीं रह पाएगा। आप दिल्ली का एग्जाम्पल लेंगे तो कम से कम किसी भी मोहल्ले में ठीक ठाक रहेंगे आप तो आपको 25,000, 30,000, 40,000, कहीं कहीं 50,000 भी आपको पर फ्लोर क्या करना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। ठीक ठीक मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, बहुत हाई फाई रहेंगे तो 1 लाख रुपये भी रेंट हो सकता है। और अगर आप कहोगे सर नहीं 5-10 हज़ार में रेंट मिल जाता है, तो जहाँ 5-10 हज़ार के रेंट में मिलता है वहां पे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख महीना कमाने वाला बंदा रहना नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब निश्चित रूप से है कि आप 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख कमाते हैं और आप जहां रहना चाहते हैं तो फिर वहां की रेंट क्या है? 10% से बात नहीं बनने वाली है। तो फिर इनकम टैक्स ने एक और पॉइंट निकाल दिया कि चलो ऐसा करते हैं कि इन दोनों से डिसाइड नहीं हो पाता है, एक बात और चेक कर लेते हैं। और कौन सी बात है वो? 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का 40%, ठीक है ना, और या तो 50% सैलरी। और 50% कहां के लिए है? दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, आप लिख लीजिए इसको, कोलकाता के लिए और चेन्नई के लिए, DMKC, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इसके लिए क्या है बताओ? क्या है इसके लिए? है 50%। और अदरवाइज रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए कितना है? 40%। मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में ज्यादा छूट देने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहां पर रेंट क्या होता है? ज्यादा होता है, मान गए। उसके अलावा जो नॉर्मल सिटीज हैं और सिटीज हैं इसके अलावा, वो भी कॉस्टली हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां कितना छूट है? 40%। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को मेट्रो सिटीज माना जाता है, ठीक है ना, और यहां पे आपको 50% की छूट। यहां तक क्लियर है? तो एक पॉइंट और हो गया, 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका छूट हो जाएगा। तो आप मेरे साथ आप बताइए एग्जेम्पशन क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा? रेंट
एचआरए रिसीव, दूसरा पॉइंट क्या होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट क्या होगा 40% और 50% ऑफ सैलरी। 40% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है, 50% दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है 40% हो सकता है। मुझे विश्वास है कि आपको यहां तक समझ में आ गया। इनमें से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहां बात आती है सर, थोड़ा सा मुझे ये भी समझाओ कि सर सैलरी का मीनिंग यहां क्या है। सुनो, अभी इस तरह के सैलरी के मीनिंग बहुत निकालने पड़ेंगे आपको, सैलरी फॉर द स्पेशल पर्पसेस ना बहुत निकालने पड़ेंगे। यहां मैंने सैलरी फॉर द किसके पर्पस निकाला, एचआरए। आगे देखना सैलरी फॉर परक्विजिट्स, सैलरी फॉर आरएफए, सैलरी फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, सैलरी फॉर ग्रेच्युटी, हर जगह सैलरी फॉर प्रोविडेंट फंड, हर टॉपिक पे हो सकता है, पॉसिबल है कि अलग अलग सैलरी निकालना पड़ जाए आपको। लेकिन वो सैलरी आपका ग्रॉस सैलरी नहीं है, वो सैलरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली है। लेकिन अगर आप ग्रॉस सैलरी की बात करेंगे तो ग्रॉस सैलरी इंटायरली डिफरेंट थिंग है, और वो क्या है, टोटल सैलरी है जो पूरे साल भर में आप कमाते हैं। ग्रॉस सैलरी का मीनिंग कहीं चेंज नहीं होगा, वो तो हर जगह सेम ही रहने वाला है। और वो क्या है, बताया था मैंने आपको, ग्रॉस सैलरी क्या था, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, ठीक है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट लिए ऑफ सैलरी, ठीक है ना, और सबको मिला दो क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलता है सबको प्लस कर दो और टुगेदर वो क्या कहलाता है, ग्रॉस सैलरी। तो मैंने ग्रॉस सैलरी एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया इसलिए कि आप एचआरए सैलरी या किसी पर्टिकुलर सैलरी से कंफ्यूज ना करो। तो आने वाली क्लासेस में हर जगह हम सैलरी फॉर एचआरए निकालेंगे, सैलरी फॉर एनी अदर स्पेसिफिक पर्पसेस निकालेंगे, तो आप उसको ग्रॉस सैलरी से कंपेयर नहीं करेंगे। ग्रॉस सैलरी बिल्कुल अलग चीज है, ग्रॉस सैलरी बिल्कुल अलग चीज है। तो आइए, तो आप ये समझ गए ना कि ग्रॉस सैलरी अलग चीज है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सैलरी फॉर द पर्पस एचआरए। तो एचआरए के लिए अगर सैलरी निकालेंगे तो कौन कौन सी सैलरी लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, बेसिक सैलरी, उसके बाद क्या लेंगे, डीएनएस अलाउंस, और आगे क्या लिखा हुआ, फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है, और तीसरा क्या है, कमीशन एंड टर्नओवर। पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड समझा देता हूं, फिर डीएनएस अलाउंस समझाऊंगा। पहला है बेसिक सैलरी, क्या समझना है, सवाल में दे रखा होता है, बेसिक सैलरी लो। और सबसे आखिरी में क्या है, कमीशन ऑन टर्नओवर। कमीशन का मतलब जानते हैं, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। जितनी आपने सेल्स करी है उस सेल्स के बेसिस पे अगर आपको कमीशन मिलता है तो वो कमीशन आपको एचआरए सैलरी में क्या होगा, इंक्लूड होगा। लेकिन 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 अगर आपको फिक्स्ड कमीशन मिलता है, फिक्स सेल हो सेल नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको फिक्स कमीशन मिला तो वो कमीशन आपकी सैलरी तो होगी लेकिन एचआरए सैलरी नहीं होगी, एचआरए सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन याद रखना ग्रॉस सैलरी में जरूर इंक्लूड होगा, लेकिन एचआरए सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। तो एचआरए सैलरी में कौन सा कमीशन इंक्लूड होगा, सर सिर्फ कमीशन ऑन टर्नओवर या कमीशन ऑन सेल्स इंक्लूड होगा। अब बात बच गई डीआरएनएस अलाउंस की। डीआरएनएस अलाउंस का मीनिंग तो समझते हैं आप, मैंने हिंदी में भी समझा रखा है, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको। शहर में महंगाई ज्यादा है, आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं खाने पीने रहन सहन पे, तो उसको मीट करने के लिए कुछ क्या दे दिया गया आपको, डीआरएनएस अलाउंस दे दिया गया, ठीक है। और डीआरएनएस अलाउंस भी सैलरी का हिस्सा है, 100% डीआरएनएस अलाउंस ग्रॉस सैलरी में ऐड होता है, 100%। जितना भी डीआरएनएस अलाउंस मिलेगा आपको वो सारा का सारा कहां प्लस होगा, ग्रॉस सैलरी में। सारा का सारा कहां प्लस होगा, ग्रॉस सैलरी में। सारा का सारा कहां प्लस होगा, ग्रॉस सैलरी में। लेकिन यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्रॉस सैलरी की नहीं, किसकी बात कर रहा हूं, एचआरए सैलरी की। मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूं, मुझे पता है जब बच्चों को मैं सवाल कराता हूं ना, बच्चे कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, टोटली लॉस्ट, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। जब डीएनएस अलाउंस मिलेगा 100% कहां प्लस करोगे, ग्रॉस सैलरी में। लेकिन यहां किसकी बात हो रही है, ग्रॉस सैलरी की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, एचआरए सैलरी की। एचआरए सैलरी में 100% इंक्लूड नहीं करोगे तो क्या इंक्लूड करेंगे, को लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो कहोगे सर ये क्या 100% नहीं होता है, 100% हो भी सकता है, 100% नहीं भी हो सकता है, 50% हो सकता है, 40% हो सकता है, 10% हो सकता है। मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला, कौन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया रहेगा। तो जितना परसेंटेज दिया रहेगा उतना परसेंटेज ही लोगे आप किसके लिए, बताओ ना, एचआरए सैलरी के लिए। अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो नहीं लोगे। अगर सवाल में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, डीएनएस अलाउंस,
2 लाख रुपीज पूरे साल भर का, और परसेंटेज कुछ लिखा ही नहीं है कि फॉर्मिंग पार्ट कितना है, तो फिर नहीं लेंगे। सवाल लिखा हुआ है डीएनएस अलाउंस 2 लाख रुपीज एंड 50% फॉर्मिंग पार्ट, तो ग्रॉस सैलरी में कितना लेंगे? 2 लाख, और यहां कितना लेंगे? 1 लाख। फिर से बोलता हूं, क्या लिखा हुआ है? डीएनएस अलाउंस 2 लाख, 50% फॉर्मिंग पार्ट, तो ग्रॉस सैलरी में क्या लेंगे? 2 लाख, और यहां क्या लेंगे? सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट कितना? 100%। और सवाल में लिखा हुआ है डीएनएस अलाउंस 2 लाख, और सवाल चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ग्रॉस सैलरी में क्या लेंगे? 100%, यहां क्या लेंगे? 0, नहीं लेंगे, क्योंकि फॉर्मिंग पार्ट तो दिया नहीं है, क्योंकि फॉर्मिंग पार्ट तो दिया नहीं है। अब लास्टली आप ये समझना चाहेंगे, सर ये फॉर्मिंग पार्ट का क्या मतलब है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्या मतलब है? अब सुनिए, मुझे बताओ, जो बंदा नौकरी करता है, आज कर रहा है, कल कर रहा है, परसों कर रहा है, कब तक करेगा? कुछ साल तक करेगा, लेकिन कभी ना कभी तो रिटायर करेगा। रिटायरमेंट के बाद उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? ग्रेच्युटी, क्या मिलता है? पेंशन, क्या मिलता है? लिव इन कैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है, उस रिटायरमेंट बेनिफिट्स को किसी न किसी बेसिस पे क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होता है। एम्प्लॉयर भी, अगर आप इंप्लॉई हैं, आपके रिटायरमेंट के बाद आपको बेनिफिट देगा, तो किसी न किसी बेसिस पे क्या करेगा? उसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। तो जब रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट की जाएगी, तो जो आज आपको डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, जो आज आपको डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, उसका सर्टेन परसेंटेज, उसका सर्टेन परसेंटेज आपको रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे मिलता रहेगा। एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए कि आज आपको डीएनएस अलाउंस कितना मिल रहा है साल भर में? 2 लाख रुपया। 50% क्या है? फॉर्मिंग पार्ट। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख तो आपको मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक आप नौकरी कर रहे हैं। कहोगे सर 2 लाख ही मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा? होगा, लेकिन अभी इंक्रीमेंट को मत मानो आप कुछ। मान लो हर साल कितना मिल रहा है? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है ना। लेकिन जब आप रिटायर कर जाएंगे, तो 2 लाख तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1 लाख क्या होगा? मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना डीएनएस अलाउंस था, उसका 50% क्या था? फॉर्मिंग पार्ट था ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेगा उसमें, उसका 50% ये भी इंक्लूड रहेगा उसमें। बात समझ गए? फिर से पूछता हूं, आपको 2 लाख रुपए आज मिल रहा है, 2 लाख रुपए कल मिलेगा, हर साल मिलेगा, कब तक मिलेगा? जब तक नौकरी कर रहे हैं। और जब रिटायर हो जाएंगे तो फॉर्मिंग पार्ट वाला हिस्सा फिर भी मिलता रहेगा, फिर भी मिलता रहेगा। तो उसको बोलते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसमें यह भी इंक्लूड होगा, यह भी मिलता रहेगा उस वक्त। समझ गए? नहीं समझ गए बात को? पक्का समझ गए? तो बताइए, एक बार मैं पूछता हूं आपसे, आपको डीएनएस अलाउंस आज मिल रहा है 2 लाख रुपया मिल रहा है, सवाल में कुछ नहीं लिख रखा है, तो कब तक मिलता रहेगा? जब तक आप नौकरी करते रहेंगे। एचआरए सैलरी में कुछ इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। जब आप रिटायर करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें लिखा हुआ है 50% फॉर्मिंग पार्ट, तो आज कितना मिल रहा है? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख हर साल, लेकिन जब रिटायर कर जाएंगे तो कितना मिलेगा? 50%, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। कब तक? जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक बेनिफिट्स आपको मिलेगा, मिलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है ना। ये बात होगी। इसके एक और कॉन्सेप्ट कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स जब डिसाइड होगी ना, जब डिसाइड होगी, ओ जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपका डिसाइड होगा, तो उसको डिसाइड करने के लिए डीएनएस अलाउंस को बेस माना जाएगा, और डीएनएस अलाउंस को इंक्लूड करके आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होगा? मिलेगा। तो बात सेम ही है, चाहे आपको अलग से मिल जाए या किसी और चीज को डिसाइड करने में ये फैक्टर का काम करे, उनके साथ मिलकर आपको मिले। अभी आप रिटायर नहीं करने जा रहे, जब रिटायर करेंगे, जब आपको मिलेगा, तो ट्रीटमेंट समझ जाएंगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है, मुझे विश्वास है कि आप समझ जाए, समझ गए, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब एचआरए सैलरी निकालेंगे, तो उस वक्त कौन सा डीए लेंगे? ओनली फॉर्मिंग पार्ट। अगर मैं 10 मिनट से लगातार बोल रहा हूं, तो मेरा दिमाग नहीं खराब है। मैं क्यों बोल रहा हूं? मुझे पता है, जब मैं आगे सवाल कराऊंगा ना, कई बार ये बातें आएगी, और मैं चाहता हूं कि वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल्ड हो जाए, इशू यहां पे कंप्लीटली सेटल हो जाए, ठीक है ना। तो आप सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट। आगे चल करके इसके बारे में हम डिटेल नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोल देंगे डीए फॉर्मिंग पार्ट, डीए फॉर्मिंग पार्ट। और अदरवाइज को हम शॉर्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ऐसे इसको लिख देंगे डीए, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? एफ, डीएफ लिख देंगे। आप समझ जाना डीए फॉर्मिंग पार्ट, शॉर्ट में लिख देंगे, समझ गए। चलिए,
एचआरए की इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैं चाहता हूं कि एक बार लास्टली फाइनली आप समझा दीजिए मुझे कि क्या क्या समझा आपने। सर एचआरए रिसीव्ड होगा, उसमें से क्या माइनस करेंगे? एग्जेम्पशंस, तो एचआरए टैक्स बोला जाएगा। फिर एग्जेम्पशन कैसे निकालेंगे? तीन पॉइंट पे एचआरए रिसीव्ड, दूसरा पॉइंट क्या? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट क्या? 40% और 50% ऑफ सैलरी। 50% कहां पे? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। उसके बाद मीनिंग ऑफ सैलरी निकालेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। सर ये एचआरए की सैलरी है, ये ग्रॉस सैलरी नहीं है, इसमें सब कुछ नहीं आएगा। क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी, डीए फॉरिंग पार्ट एंड कमीशन एंड टर्नओवर। ठीक है, ये बात होगी। इसके अलावा ये मत समझिए कि आप मास्टर हो गए हैं, जब हम सवाल करवाएंगे तो जाकर के आपको और भी कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा। जरूरी नहीं है कि एचआरए आपको हर महीने का मिले, पूरे साल में मिले, जरूरी नहीं है। हो सकता 2 महीने का मिले, 4 महीने का मिले, 5 महीने का मिले। जितने महीने का मिलेगा उतने महीने का एग्जेम्पशन होगा, और फिर उतने महीने की क्या करेंगे हम? बेसिक सैलरी लेंगे। तो ये सब बातें अभी करने से आप और कंफ्यूज होंगे, इससे अच्छा है कि मैं आपको यहां पे छोड़ देता हूं और आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ, आप बताओ कि बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा आपको? क्यों नहीं बोल रहे? बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है? स्लो लग रहा है? ठीक ठीक लग रहा है। आइए क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए आपके बुक में होगा 4.6 क्वेश्चन, देखिए पेज नंबर 49 प्लीज, पेज नंबर 49 जल्दी से देखिए बच्चों प्लीज, बहुत टाइम हो गया है। 4.6 है, देखिए क्या कह रहा है सवाल। ये तसल्ली से पढ़िए क्या कह रहा है सवाल प्लीज। सवाल आपके सामने है, अब मैं सवाल आपको दिखाता हूं, सवाल क्या कह रहा है। देखिए देख चुके हैं सवाल आप तो, सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है ए इज इंटाइटल टू अ बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 10,000 पर मंथ, 40% ऑफ विच फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मजा आ गया? कुछ सोचना पड़ेगा अब? नहीं सोचना पड़ेगा। ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड एच आर ए 20,000 पर मंथ, एक्चुअली ही एक्चुअली पेज 20,000 पर मंथ रेंट फॉर हाउस इन दिल्ली, कंप्यूट टैक्सेबल एचआरए। मुझे तो लगता है कि आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। क्यों? देखिए करिए सवाल। सबसे पहले क्या करिए, मेरे तरीके से करिए, आप सवाल लिखिए कौन सा ये 4.6, पेज नंबर कौन सा है 49, और लिखिए यहां पे। सबसे पहले आपको क्या पहले लिखाना सिखाया है? एच आर ए रिसिप्ट। बताइए कितना सारे एच आर ए रिसिप्ट है? बोलो ना, 20,000 इंटू 12 कितना हो गया? 240,000। सर इसमें से एग्जेम्प्ट कर दो, लिखो एग्जेम्प्ट। लिखने में क्या जाता है? एग्जेम्प्ट कितना होगा ये पता नहीं है, लेकिन एग्जेम्प्ट तो होगा ना, माइनस कर दो। कहोगे सर जैसे ही एग्जेम्पशन मिल जाएगा ना, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बताओ ना कितना एग्जेम्पशन आएगा? एग्जेम्पशन तो निकालना है इसे मेन चीज। तो एग्जेम्पशन के लिए क्या लिखता हूं मैं हमेशा? हाउ मच एग्जेम्पशन, ये वर्किंग नोट में करेंगे आप। पहला पॉइंट क्या होगा बताइए प्लीज, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? एच आर ए रिसिप्ट। टेल मी हाउ मच एचआरए रिसिप्ट? 20,000 इंटू 12 240,000। एक्सक्यूज मी आवाज नहीं करना, 240,000। उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट होगा रेंट पेड, करो 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 आप लोग करो आराम से, माइनस 10% ऑफ
सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड दे रखा सवाल में 20,000 पर मंथ माइनस 10% ऑफ सैलरी भी निकालेंगे। तीसरा पॉइंट पे आ जाओ, दिल्ली में बंदा ना, तो 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। अब सब बात कहां पे आके अटक गई है कि सर बताओ सैलरी फॉर एचआरए क्या होगा। देखो सैलरी फॉर एचआरए, सबसे पहले लिखो इसमें बेसिक सैलरी, बताइए कितना बेसिक सैलरी, एक्सक्यूज मी, 50,000 पर मंथ इंटू 12, 6 लाख। इसमें प्लस कीजिए डीए, अब ब्रैकेट में मैंने क्या कहा था लिखने के लिए, एफ डीए फॉर्मिंग पार्ट, कितना दे रखा है 10,000 पर मंथ, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40% से, और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 10,000 इंटू 40% इंटू 12, बताइए कितना आया 10,000 इंटू 40% इंटू 12, मतलब ये 4,000 इंटू 12 आ गया, तो ये आ गया 48,000। फॉर्मिंग पार्टशिप लेंगे, कमीशन ऑन टर्नओवर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 6,48,000। अब 6,48,000 के क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड करो, 10% एंड 50%, 10% कितना होगा 64,800 एंड 50% कितना होगा 3,24,000। देखो मान गए बात को, मान गए ना, राइट। अब बताइए क्या करेंगे, 10% को आप 10% की जगह पर पुट कर दीजिए, 10% कितना है 64,800 एंड 50% कितना आ गया 3,24,000। रेंट पेड आपकी है 2,40,000 माइनस 64,800, बताइए कितना आएगा 1,75,200। आपके पास तीन कौन कौन से पॉइंट आ गए सर, एक पॉइंट तो ये आ गया 2,40 और दूसरा क्या आ गया 1,75,200 और तीसरा आ गया 3,24। 6,48,000 का 10% क्या होगा, 6,48,000। ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट भी है, तो बताइए फिर लिखो जल्दी से, फिर इन तीनों में से मिनिमम कौन है 1,75,200 और 1,75,200 को क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 64,800। ये क्या होगा एच आर ए टैक्सेबल, ये एच आर ए टैक्सेबल आएगा। देखिए सबसे ऊपर में, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट देने के बाद ये सवाल तो आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन एक सवाल करना बनता था, तो मैंने कर दिया। आइए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं, 4.7। देखिए 4.7 क्या कहता है, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट यहां पर दिया हुआ है, एक्स इज एम्प्लॉयड एट दिल्ली एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ आर कंपनी लिमिटेड, पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 17-18 एज अंडर। ठीक है ना, देखिए इतना सैलरी देखो
आपको समझ में आ रहा होगा सवाल ना। बेसिक सैलरी क्या दे रखा है सवाल में? करिए लिखिए 4.7। पेज नंबर जस्ट नेक्स्ट है 50। बताइए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले लिख रखा है आपको बेसिक सैलरी, लेकिन सवाल क्या डिमांड कर रहा है पढ़ो तो सही। एक्चुअल रेंट पेड इज दिस एंड दिस कंप्यूट टैक्सेबल एचआरए। अभी मुझे सबसे मतलब नहीं, टैक्सेबल एचआरए से मतलब है। बताइए एचआरए रिसीव्ड क्या दे रखा है। पढ़िए सवाल, बताइए कितना है। एचआरए रिसीव्ड है 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 कितना हो गया 180,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे, सॉरी हाँ ऑफ कोर्स माइनस क्या करेंगे एग्जेम्प्ट, तो क्या आ जाएगा एच आर ए टैक्सेबल। अब बात आती है कि कितना एग्जेम्प्ट करेंगे, बात आती है कि कितना एग्जेम्प्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, इसमें में था और बाकी तो में शिफ्ट हो गया था। हाँ। तो इसमें एक तो आप मुझे तब कहो ना जब मैं आपकी बात को ना मानू, मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया कुछ करना। आप सीधा ये कहो कि हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं और ये बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो ये तो आपकी बात पहुंच गई कि आप क्वेश्चन को पढ़े और ये समझ गए कि दो जगह बंदा एक ही साल में रह रहा है, कहाँ कहाँ, दिल्ली में और नोएडा में। और दूसरी बात आप मुझे ये समझाना चाह रहे हैं कि सर नोएडा दिल्ली में नहीं है, वो यूपी में है, ये जानकारी मेरे तक पहुँच गई, ठीक है ना। तो आपके इस नॉलेज के लिए आपको साधुवाद, कंग्रेचुलेशन, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा कहाँ पर है, यूपी में। शायद ये ना बताता तो और सब बच्चे क्या करते, मिस्टेक कर देते, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ आप क्लास टाइम पे आइए और बोलते रहिए, भगवान आपका भला करे, आपकी तबीयत को हमेशा सही रखे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि तबीयत का बहाना बना के क्लास नहीं आते हैं, ऐसा भी होता है, क्योंकि आप अगर 10 मिनट लेट आ सकते हैं तो 10 मिनट पहले भी आ सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आइए आप। पॉइंट समझाते हैं आपको, आइए। नहीं हम लोग भी स्कूल डेज में करते थे ऐसा ना, कि इससे पहले कि सर सब कुछ समझा दे, सुनो ना, अपनी पूरी नॉलेज झाड़ देते थे कि सर बोलेंगे तब तो फिर पता चल जाएगा हम भी तो कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपने आपने 9th-10th की याद दिला दी, सही कहा है, मजा आया। चलिए देखिए, हम तो खासकर बहुत बदनाम थे इस मामले में, आगे आगे बोलने के लिए स्कूल में बहुत डांट खाते थे, देखिए, इसलिए मेरे साथ तो मेरे बच्चे ऐसा करेंगे ही करेंगे। बदला होता है ना जिंदगी में, जब हम अपने टीचर के सामने आगे आगे बोलते थे तो हमारे बच्चे ही बोलेंगे। देखिए फिर भी हमारे स्टूडेंट्स तो हम जैसा स्टूडेंट हुआ करते थे उससे बेटर है, ठीक है ना, मैं मानता हूँ बेटर है, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही बोलते थे क्लास में। एनीवे आइए देखिए, एच आर ए टैक्सेबल, एक्सक्यूज मी क्या लिखेंगे, एच आर ए टैक्सेबल निकालेंगे, तो कितना एग्जेम्पशन होगा, 3 पॉइंट है। अब सवाल को ढंग से पढ़ते हैं, क्या कहानी है, उन्होंने समझा दिया कि कुछ गड़बड़ तो है सवाल में। देखिए क्या है सवाल, यह है कि एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम 10,000 पर मंथ फॉर द अकोमोडेशन एट नोएडा टिल 31st December 2017 फ्रॉम 1/1/2018 January 1st 2018 रेंट वॉज इंक्रीज टू 20,000 पर मंथ। बस इतना ही चेंज हुआ है, इतना ही चेंज हुआ है, ध्यान दीजिए प्लीज, क्या चेंज हुआ है। पहले रेंट था उसका 10,000, फिर रेंट क्या हो गया 20,000 हो गया पर मंथ। प्लेस चेंज नहीं हुआ, पहले भी प्लेस कौन सा था, नोएडा, अभी भी प्लेस कौन सा है, नोएडा। मुझे समझाने दीजिए,
मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपका जो एचआरए का एग्जेम्पशन है वो चार पॉइंट पर डिपेंड करता है, और वो चार पॉइंट कौन कौन सा है? एचआरए रिसीव्ड, दूसरा पॉइंट कौन सा है? रेंट पेड, और तीसरा पॉइंट कौन सा है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है तो सब वही हो गया, और एक पॉइंट और कौन सा है? मैं क्या क्या बोल दिया, उलझन में बोल दिया, दोबारा से बोलता हूं। पहला मैंने क्या कहा? एच आर ए रिसीव्ड, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा सैलरी पे डिपेंड करता है, और तीसरा रेंट पेड पे, और चौथा प्लेस ऑफ अकोमोडेशन पे, कहां पे आप रहते हैं। फिर से बोलो, किस पे डिपेंड करता है? एच आर ए पे, दूसरा क्या? सैलरी पे, तीसरा क्या? रेंट पेड पे, और चौथा क्या? प्लेस ऑफ अकोमोडेशन पे। इसमें से कोई भी फैक्टर अगर चेंज होता है तो जितनी बार चेंज होगा उतनी बार मुझे एचआरए की एग्जेम्पशंस अलग अलग निकालनी पड़ेगी। मतलब हम कौन से महीने का एचआरए एग्जेम्पशन एक साथ निकाल सकते हैं? उस महीने का जिस महीने में ये चारों फैक्टर क्या हो? सेम हो। ये चारों फैक्टर सेम हो। क्या क्या सेम हो सर? एचआरए रिसीप्ट, दूसरा क्या सेम हो? सैलरी, तीसरा क्या सेम हो? प्लेस अकोमोडेशन, और चौथा रेंट पेड। जब तक ये चारों फैक्टर सेम होगा तब तक हम क्या करेंगे, उतने महीने महीनों का एचआरए हम एक साथ निकाल लेंगे। लेकिन आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर अगर हर महीने ये चेंज करे तो हर महीने मुझे एग्जेम्पशन क्या करना पड़ेगा? अलग अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन कोई पागल सा इंसान ही होगा जो 12 महीने में 12 बार क्या करेगा? जगह चेंज करेगा। और कोई पागल सा एम्प्लॉयर ही होगा जो 12 महीने में 12 बार बेसिक सैलरी चेंज करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स 12 महीने में 12 बार नहीं चेंज हो सकते, लेकिन साल में एक दो बार तो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि चार फैक्टर में से कोई साल में एक चेंज हो गया, फिर दूसरा भी चेंज हो गया, कोई तीसरा भी चेंज हो गया, तो चार फैक्टर में से कोई दो तीन फैक्टर चेंज हो सकता है साल में। और मुझे एग्जम्पशन उतने महीने का एक साथ निकालना है जितने महीने वो सारे फैक्टर्स क्या है? सेम है। तो उस हिसाब से यहां पर एग्जम्पशन निकालने के लिए मुझे दो हिस्से में बांटना पड़ेगा। एक कौन सा? 9 मंथ्स, और दूसरा कौन सा? 3 मंथ्स। ओके सर, क्यों? क्योंकि 9 मंथ तक तो बेसिक सॉरी रेंट पेड क्या था? सेम था। और 9 मंथ के बाद रेंट पेड क्या हो गया? चेंज हो गया। एग्जेम्पशन निकालना पड़ेगा इस तरह से। तो बताइए, सबसे पहला एग्जेम्पशन पॉइंट क्या होता है? एच आर ए रिसीप्ट। बता सकते हो यहां कितना है? यहां होगा 15,000 × 9, कितना हो जाएगा? 1,35,000। और यहां क्या होगा? 15,000 × 3, तो कितना होगा? 45,000। एक्सक्यूज मी, समझ रहे ना? दूसरा पॉइंट है सर, दूसरा पॉइंट ये है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब देखो यहां पे रेंट कितना पे किया आपने? 10,000 per month, तो 10,000 × 9 कितना हो जाएगा? 90,000। और माइनस 10% ऑफ सैलरी भी निकालेंगे, यहां रेंट कितना पे किया आपने? 20,000 × 3, तो कितना पे कर दिया? 60,000। और इसमें से भी क्या करेंगे? माइनस अभी करेंगे। अगर ये दो बातें हो जाएगी आपकी तो फिर तीसरा कैलकुलेशन क्या होगा? तीसरा होगा आपका 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि कहां रहता है बंदा? वो नोएडा में। नोएडा में क्या होगा? 40% ऑफ सैलरी ही होगा। तो कहोगे सर अल्टीमेटली सारी बातें अब किस पे आके अटक गई है? सैलरी पे। तो निकालो, सैलरी फॉर एचआरए, सैलरी फॉर एचआरए में सबसे पहले क्या लोगे? बेसिक सैलरी। बताइए बेसिक सैलरी कितना है? 30,000 per month। अब देखो ये कैलकुलेशन भी क्या करना पड़ेगा आपको? 9 मंथ्स का अलग और 3 मंथ्स का अलग करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं और मैं ऐसा हमेशा करता हूं, लेकिन यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं इसको इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लेता हूं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा।
इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसी लाइन को नीचे ले जाइए, इसी लाइन को नीचे ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए, आप ध्यान दो, बेसिक सैलरी बताओ कितना है, कितना है? कितना है? 30,000 पर मंथ। तो 30,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 270,000। और यहाँ क्या होगा? 30,000 इंटू 3 90,000 बेसिक सैलरी आ गया। आप ऐसे कटपिट नहीं करेंगे, कभी बार हो जाता है। आप बेसिक सैलरी में क्या करोगे? ऐड करो डीएनएस अलाउंस। कितना डीएनएस अलाउंस है? 10,000 पर मंथ। फॉर्मिंग पार्ट है? 100% है। क्योंकि सर परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मान लोगे? 100%। 10,000 पर मंथ, क्या करोगे? 10,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 90,000। यहां क्या लिखोगे? 10,000 इंटू 3 कितना लिखोगे? 30,000। डीए के बाद क्या लिखोगे? कमीशन है? है सर। कमीशन ऑन टर्नओवर दे रखा है कितना? 45,000 दे रखा है। और ये लिखा हुआ है सवाल में कि यूनिफॉर्मली पूरे साल में कमाई गई है, मतलब ये हुआ कि 45,000 पर मंथ पर एनम है, और हर महीने बराबर कमाई गई है। अगर नहीं भी लिखा होता तो यही मानते हम। ऐसा कब नहीं मानते? जब मुझे हर महीने की कमीशन क्या होती? अलग अलग दे रखी होती। नहीं दिया तो क्या मानेंगे? हर महीने सेम कमाई हुई है। तो अब क्या करें यहां पे हम इसको 9 मंथ्स के लिए क्या निकालें? 45,000 इंटू 9/12। और यहां क्या करें? 45,000 इंटू 3/12। बताओ कितना हो गया? 45,000 इंटू 9/12 कितना होगा बोलो ना, उसकी यूज में कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। 33,000। और यहां कितना होगा? 11,050। अब देखिए इसको आप तीनों को प्लस कर देंगे, किसको किसको? ये बेसिक सैलरी को हाईलाइट करता हूं, थोड़ा हॉचपॉच लग रहा है इसलिए, इसको और इसको, इन तीनों को प्लस कीजिए। और यहां पे किसको? इनको, इनको और इसको प्लस कीजिए। और इन तीनों को प्लस करके क्या मिल जाएगा आपको? एच आर ए सैलरी मिल जाएगा। बताओ क्या आ गया? एच आर ए सैलरी बता सकते हो कितना आया? 393,750। और यहां कितना आया? 131। और तुम गौर से देखोगे ना तो आप अगर 9 मंथ्स का भी निकाल लेते तो भी काम चल जाता, क्योंकि 9 मंथ्स का आ गया ना तो 3 मंथ्स क्या होता है? उसका 1/3 होता है। 9 मंथ्स का 1/3 क्या होता है? 3 मंथ्स। तो देखो ना, इसका 1/3 कर दो, ये आ गया। लेकिन ऐसा तुम हर जगह नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां तो पूरे साल भर में बेसिक सैलरी डीए एंड एचआरए सॉरी कमीशन सब सेम है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट चेंज करता है ना तो फिर आप ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन इस सवाल में क्या कर सकते थे आप? सीधा इसको 9 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाता। लेकिन फिर भी मैंने अलग करके सिखा दिया है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट क्या कर सकता था? चेंज कर सकता था। तो आइए, जब ये बातें हो गई है तो एच आर ए सैलरी का कितना परसेंट निकालोगे? 10%। 393,750 का 10% निकालो पहले। 393,750 का 10% कितना आएगा? तो इसको माइनस कर दो यहां से, 393,75। 90,000 माइनस 393,75 बताओ कितना आएगा? जल्दी माइनस करो, 90,000 माइनस 39375 56,625। और बताओ इसका 40% कितना आएगा? 393,750 का 40%
1575 00। अब यही काम इधर करो आप, इसका निकालो कितना बोलो ना, 131250 का 10% तो ये आएगा 13125 माइनस 13125 माइनस करो 65 में से 46875 और निकालो कितना परसेंट, 5250। अब देखिए 9 मंथ में सबसे मिनिमम क्या आया, ये आया 9 मंथ में सबसे मिनिमम क्या है, ये 50625 और 3 मंथ में सबसे मिनिमम क्या आया, 45000। लेकिन मुझे अलग अलग एग्जेम्पशन तो निकालना था, लेकिन एग्जेम्पशन को अल्टीमेटली क्या कर देंगे हम, प्लस। अब प्लस करके बताओ कितना एग्जेम्पशन आ गया, इन दोनों को प्लस करके बताओ, 50 प्लस 45 हो गया 95000625। ये पूरी एग्जेम्पशन हो गई आपकी 95625। इस एग्जेम्पशन को क्या कीजिए, एचआर रिसीट में से माइनस कर दीजिए, बताइए कितना आया बोलो, एच आर ए रिसीव में से 95625 को माइनस कर दीजिए, 180000 में से माइनस करना ना, टोटल एच आर ए रिसीव इतना ही था आपके पास, पार्डन 8475 ये आपका टैक्सेबल एच आर ए आ गया, 84375 आपका टैक्सेबल एच आर ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए अब बहुत टाइम हो चुका है, ये आप समझ गए, हो सकता है कि आपको इसको लिखने में टाइम ना मिला हो, तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ आपको, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आज के लिए बस इतना ही, अभी अचारे पे और भी क्वेश्चंस हैं, अगली क्लास में मिलते हैं फिर कराएंगे, बट आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, राइट, सी यू।